हेलो भाई, मैं हूँ आपका भाई सुमित यार। स्वागत है आपका फिर से आज की एक और नई वीडियो में। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना गेम प्ले मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई यार आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार गन के अटैचमेंट के बारे में। जैसे एग्जांपल ले लो 2x 4x फोर ग्रिप बाइपॉड और स्टॉक, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार। तो जिस भी बंदे को थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है कि यार बाइपॉड फोर ग्रिप स्टॉक को किस तरीके से प्रॉपर यूज किया जाता है, तो यार वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलो यार छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक बात बोलना चाहूंगा कि यार जो भी बंदे यार गेम को काफी टाइम से खेल रहे हैं और काफी टाइम से ज्यादा गेम प्ले कर रहे हैं यार, उनको सारा कुछ पता है, तो वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं जिन बंदों को सारा कुछ पता है। और अगर उनके मन में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है यार बाइपॉड को लेके, फोर ग्रिप को लेके, स्टॉक को लेके, यार थोड़ा सा भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, तो यार वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। और किसी भी अटैचमेंट के बारे में उनके मन में कंफ्यूजन है, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। काफी सारे मतलब बहुत सारे बंदे जो नए प्लेयर्स होते हैं तो वो करते हैं क्या, एक्चुअल में यार सारा कुछ अटैचमेंट तो उठा लेते हैं यार, पर उनको ये नहीं पता यार कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यार भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना यार इसका प्रॉपर यूज आपको भी करना आ जाएगा। तो भाई वो बात करते हैं यार सबसे पहले अटैचमेंट की यार, जो कि होता है मजल। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी गन के लिए मजल। तो मजल से क्या होता है यार भाइयों की जो भी मतलब लेवल 3 लेवल 2 का अगर मजल हम हमारी गन में बिठा लेते हैं, तो उससे अच्छी खासी मतलब हमारी गन की रेंज प्लस हो जाती है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस पे अगर किसी भी बंदे से अगर अपन फाइट ले रहे हैं और अपने पास मतलब लेवल 3 का मजल बिठा हुआ है, लेवल 2 का मजल बिठा हुआ है, मतलब अच्छा मजल बिठा हुआ है, तो बंदे को अच्छा खासा डैमेज जाएगा। तो मजल का यही काम होता है सिंपल सा कि वो अपनी गन की मतलब जो रेंज होती है ना, वो उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देता है। तो अब बात करते हैं यार साइलेंसर की। तो साइलेंसर का काम क्या होता है, साइलेंसर का सिंपल सा काम होता है कि मिनी मैप में यार वो आपकी लोकेशन नहीं शो करता। ये तो काफ़ी सारे बंदों को पता है, कुछ बंदों को नहीं पता है, तो देख लो। तो अगर आपके पास लेवल 3 का मजल भी मिल जाता है और लेवल मतलब साइलेंसर भी मिल जाता है, तो आप लेवल 3 का मजल भी रखो, साइलेंसर भी रखो। जब भी यार आपको एनिमी स्पॉट कर लेता है तो आप साइलेंसर को हटा दो और मजल बिठा लो और उससे गन से फाइट मतलब फिर बंदे से फाइट लो। तो भाई ये बात करते हैं यार अगले अटैचमेंट की। तो अगला अटैचमेंट है यार मैगजीन। तो काफ़ी सारे बंदों को पता होगा कि मैगजीन का काम क्या है, पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो यार जैसे आपको मतलब मान लो यार शॉर्ट रेंज की गन में आपको अगर आपने लेवल 2 की मैगजीन बिठा ली, तो यार आपको मिल रहा है 20 बार, मतलब मान लो 20 बार आपको फायर करने के लिए मिल रहा है। अगर आपने मतलब मैगजीन बिठा ली तो यार उसको कहीं मतलब 30 के आसपास आपको फायर राउंड्स मिल जाएंगे। तो आप अगर उससे लेवल 2 की या 3 की मान लो कोई भी मैगजीन आपने बिठाई, तो यार आपका उससे फायर राउंड बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि यार आपके पास कितने लेवल की मैगजीन है ना। तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे अगले अटैचमेंट की तरफ, मैगजीन को हटाते हैं यहाँ से, मैगजीन तो सारे बंदों को पता है। तो भाई वो बढ़ते हैं हमारे अगले अटैचमेंट की तरफ। तो अगला अटैचमेंट है यार फोर ग्रिप और बाइपॉड। तो बात करने वाले यार फोर ग्रिप का काम क्या होता है। तो बंदो यार काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता कि फोर ग्रिप का काम क्या होता है। तो यार फोर ग्रिप का काम होता है कि यार जो भी आपकी गन होती है ना, उसको वो रिकॉइल नहीं होने देती है। तो आपके पास अगर लेवल 2 की लेवल 3 की फोर ग्रिप बिठी हुई है, तो आपकी गन रिकॉइल नहीं होगी, मतलब होगी पर थोड़ा सा कम होगी, है ना। अगर आपके पास अच्छी खासी मतलब फोर ग्रिप बिठी हुई है गन में, तो आपकी गन रिकॉइल नहीं होगी, है ना। तो यार रिकॉइल होता क्या है, काफ़ी सारे बंदों को ये नहीं पता कि रिकॉइल क्या होता है। तो रिकॉइल क्या होता है कि जब भी आप किसी बंदे पे यार शूट करते हो और आपका डैमेज ही नहीं बंदे को लगता है, मतलब आइट साइड से गोलियां निकल जाती है, आपकी इमोज जो है वो आइट साइड से क्रॉस हो जाती है बंदे पे और बंदे को डैमेज नहीं जाता, तो वो होता है रिकॉइल। मतलब आप ज़्यादा देर तक फायर करते हो बंदे पे यार, डॉट बना के ज़्यादा देर तक फायर करते हो, तो आपकी इमोज थोड़ी सी रिकॉइल हो जाती है और वो आइट साइड से निकल जाती है। तो अगर आपके पास अच्छी सी फोर ग्रिप बिठी हुई होगी गन में, तो आपका रिकॉइल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं यार बाइपॉड की। तो बाइपॉड बेस्ट है या फोर ग्रिप बेस्ट है। तो भाई यार अगर आपको बाइपॉड मिलता है और फोर ग्रिप भी लेवल 3 की मिल जाती है, तो आप दोनों को रखो। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर आप फाइट ले रहे हो बंदे से, तो फोर ग्रिप यूज़ करो। और बाइपॉड यार जब भी आपको मतलब जो बंदे होते हैं ना AK यूज़ करते हैं, तो जिन बंदों को AK यूज़ करना है वो बाइपॉड उसमें बिठा सकते हो, क्योंकि यार AK में बाइपॉड काफ़ी अच्छा चलता है। तो चलो यार बढ़ते हैं अब हमारे अगले अटैचमेंट की तरफ। तो अगला अटैचमेंट क्या है, अगला अटैचमेंट है यार 2x 4x और थर्मल। तो यार ये तो काफ़ी सारे बंदों को पता होगा कि इससे क्या होता है। तो यार ये है 2x। तो 2x क्या होता है कि आप जब भी यार दूर के बंदे को मतलब मारते हो, तो 2x से काफ़ी अच्छा मतलब डैमेज जाता है और 4x से भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा डैमेज जाता है।
तो यार 2x का मतलब काफी अच्छा लगता है मेरे को। 2x 2x से यार जब भी अपन मतलब ड्रैग हेडशॉट मारते हैं ना तो वो अच्छे से बंदे को लग जाता है 2x से। और 4x में थोड़ा सा खींचना मतलब ऊपर खींचना मुश्किल हो जाता है। और थर्मल स्कोप में यार जब भी आप मतलब कोई बंदा आपको नहीं दिखता है साइलेंसर से तो आप उससे स्कैन कर सकते हो बंदे को और दूर से देख सकते हो। तो यही होता है 2x 4x यार मतलब दूर पे लॉन्ग रेंज पे आप फाइट लेते हो बंदे से तो आपका डैमेज अच्छा खासा बंदे को जाता है। तो यही यूज होता है यार 2x 4x और थर्मल का। तो काफी सारे बंदों को पता ही होगा ये। तो आपको कौन सा यार 4x अच्छा लगता है, 2x या थर्मल स्कोप अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मेरे को तो 2x अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं यार अगले अटैचमेंट की। तो अगला अटैचमेंट है स्टॉक। तो काफी सारे बंदों को यह नहीं पता है कि यार स्टॉक से क्या होता है। तो ये M10 में भी बिटता है और MP40 में भी बिटता है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। तो यार इससे होता है जो हमारी स्टेबिलिटी होती है गन की वो इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो अभी भी आपको नहीं समझ में आया कि इससे क्या होता है ना। तो ये जो हमारी मोमेंट स्पीड है, जो गन की स्पीड है, जो हम शूट करते हैं बंदे पे जब इमोज मतलब शूट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो नॉर्मल भाषा में बोले तो यार हमारी जो गन की स्पीड होती है ना वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो स्टॉक से यही होता है भाइयों कि हमारी जो गन की स्पीड है वो गन की स्पीड बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है हमारी गन। तो यार शॉर्ट गन में तो काफ़ी अच्छा है और MP40 में भी। तो यार भाइयों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना जरूर। और आपको किस किस को बंदा मतलब यार किस किस बंदे को ये चीज़ें पता नहीं थी और किन किन बंदों को ये सारी चीज़ें पता थी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है ना। तो यार भाइयों वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और किस किस बंदों को यार ये चीज़ें पता थी और किन किन बंदों को ये नहीं पता थी तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो भाइयों मिलते हैं, बाय बाय है ना, बाय बाय।